मैं ऋचा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर करने वाली हूँ हायर कंपनी की 6.5 केजी की टॉप लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। इस वॉशिंग मशीन में आपको कौन कौन से फंक्शंस मिल जाते हैं और कौन कौन से फंक्शंस की साइकिल कितने टाइम की होती है और उन फंक्शंस का क्या क्या यूज होता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगी। और अलग अलग फंक्शंस में मैं कपड़े धो के भी आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आपको इसकी सारी सेटिंग अच्छे से समझ में आ सके। और उसी के साथ में इस वॉशिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन के बारे में भी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो जो डिलीवरी बॉय इस वॉशिंग मशीन को डिलीवर करने आया था उसी ने इस वॉशिंग मशीन को अनबॉक्स किया था ये चेक कराने के लिए कि वॉशिंग मशीन कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो हमारे पास तो वॉशिंग मशीन एकदम अच्छी कंडीशन में आई थी और सेम डे पे ही 2 से 3 घंटे में टेक्नीशियन ने आके इस मशीन को इंस्टॉल भी कर दिया था और इसका पूरा डेमो दे के इसके सारे फंक्शंस को भी अच्छे से समझा दिया था कि आपको इस वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करना है। तो अब मैं इस वॉशिंग मशीन का फ्रंट लुक भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये फ्रंट से कुछ इस तरह की दिखती है और मैंने इसमें ग्रे कलर की वॉशिंग मशीन ऑर्डर की थी। ऊपर की साइड में आपको इसमें डिस्प्ले पैनल मिल जाएगा जिसमें काफी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। ये सारे फंक्शंस मैं आगे वीडियो में आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगी। इसी के साथ ही आपको इसमें एक प्लास्टिक का लिड मिल जाता है, इसमें आपको ग्लास का लिड नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको एक जाली मिल जाती है जो कि वॉशिंग मशीन के नीचे के साइड में लगती है। इस जाली को टेक्नीशियन इंस्टॉल करता है। इसी के साथ ही आपको इसके अंदर वाटर सप्लाई होज मिल जाता है और इसके साथ ही आपको एक यूजर मैनुअल भी मिल जाता है और इसमें आपको एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। इस वॉशिंग मशीन पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है और इसकी जो मोटर है उस पर आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है। इस वॉशिंग मशीन का जो टब है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है तो ये बिल्कुल भी रस्ट फ्री है, इसमें कोई भी रस्ट लगने का चांस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे साइड में लिक्विड डिटर्जेंट डालने के लिए ट्रे दी गई है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें केवल लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज करें, आप इसमें पाउडर डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं। नीचे के साइड में यहाँ पे प्लास्टिक की एक जाली दी गई है जिसमें कपड़े की गंदगी वगैरह इकट्ठा हो जाती है। इस जाली को आप 8 से 10 दिन में बाहर निकालकर इसकी गंदगी को अच्छी तरह से क्लीन कर लें और अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे वापस से वॉशिंग मशीन में लगा दें। और लिड के अंदर की साइड में यहाँ पे एक कॉशन नोट और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो मशीन को यूज करने से पहले इन्हें भी अच्छे से पढ़ लें। लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक ग्रिप दी हुई है जिससे कि आप लिड को आसानी से ओपन कर सकते हैं। लिड के ऊपर की साइड में यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर एक वाटर इनलेट दिया हुआ है, इसमें पाइप को कनेक्ट करके पानी मशीन के अंदर जाएगा। वॉशिंग मशीन के साइड में यहाँ पे एक ड्रेनेज पाइप दिया हुआ है तो जो गंदा पानी मशीन के अंदर है वो यहाँ से ज्यादा ड्रेन हो जाएगा। वॉशिंग मशीन को इजीली मूव करने के लिए मशीन के दोनों साइड में ग्रिप्स दी हुई हैं और वॉशिंग मशीन के बैक साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स दी हुई हैं और उसका मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है और इसमें कंपनी का कस्टमर केयर नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब मैं इसके फंक्शंस के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, उसके नीचे स्टार्ट और पॉज का बटन दिया हुआ है। इस वॉशिंग मशीन में आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इसमें आपको टाइट साइकिल, सोप, डेलिकेट, क्विक वॉश, रिंस, स्पिन और टब ड्राई का फंक्शन मिल जाता है। प्रोग्राम बटन को प्रेस करके आप किसी भी फंक्शन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको 8 तरह के वाटर लेवल सेलेक्टर मिल जाते हैं जिसमें आप 12 लीटर से लेकर 46 लीटर तक का वाटर लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कपड़े की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वाटर लेवल सेलेक्ट होता है और यहाँ पे आपको डिटर्जेंट की क्वांटिटी दी गई है तो आप कपड़े की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिटर्जेंट को ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें एक चाइल्ड लॉक का फंक्शन भी दिया गया है तो ये जो वाटर लेवल और प्रोग्राम इन दोनों बटन्स को 2 सेकंड के लिए आप प्रेस करेंगे तो ये मशीन चाइल्ड लॉक हो जाएगी। चाइल्ड लॉक करने के बाद मशीन का कोई भी बटन वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप चाइल्ड लॉक को ऑफ नहीं कर देते। तो अब मैं आपको इसमें कपड़े धो के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 दिन के गंदे कपड़े मशीन में डाल दिए। कपड़े धोने से पहले हम इसकी जाली निकाल के इसमें जो गंदगी इकट्ठा हुई है उसे क्लीन कर लेंगे। 3-4 वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी गंदगी इकट्ठा हो गई है। तो आप टाइम टू टाइम इस जाली को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें। तो जाली को मैंने क्लीन कर दिया है, अब इसे वापस से मशीन में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट भी ऐड कर दिया है। डिटर्जेंट डाल के वॉशिंग मशीन के लिड को हम बंद कर देंगे। सबसे पहले हमें पावर बटन को ऑन करना है।
तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन ऑन हो चुकी है और ये बाय डिफॉल्ट टाइट साइकिल पे सेलेक्ट हो जाती है। अब इस प्रोग्राम बटन को प्रेस करके आप किसी भी मोड में इस वॉशिंग मशीन को सेट कर सकते हैं। अगर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं जैसे बेडशीट वगैरह, तो आप सोक मोड पे इस वॉशिंग मशीन को सेट करके कपड़े धो सकते हैं। और जो डेलिकेट कपड़े हो गए जैसे कि स्वेटर्स वगैरह या फिर डेलिकेट साड़ियाँ या कोई भी और भी कपड़े, तो आप इसे डेलिकेट मोड पे सेट करके उन कपड़ों को धो सकते हैं। और जो बहुत कम गंदे कपड़े हैं जैसे कि जो हम डेली में पहनते हैं, तो उन्हें आप क्विक मोड पे सेलेक्ट करके भी वॉश कर सकते हैं। इसके बाद इसमें वॉश, रिंस और स्पिन का फंक्शन है। तो अगर आप तीनों फंक्शंस एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो आपके कपड़े वॉश होके, रिंस होके, स्पिन हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आप इसे केवल वॉश पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें केवल आपके कपड़े वॉश होंगे, रिंस और स्पिन नहीं होंगे। आप इसे केवल रिंस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और केवल स्पिन पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको केवल कपड़े ड्राई करने हैं तो आप इसे स्पिन पे सेट कर सकते हैं। इसमें टब ड्राई का फंक्शन भी दिया गया है। तो इस फंक्शन से जो वॉशिंग मशीन का वॉश टब है वो अपने आप ड्राई हो जाता है। इस वॉशिंग मशीन में जो टाइट साइकिल है वो 45 मिनट्स का होता है। इस मोड पे आपके कपड़े 45 मिनट्स में वॉश, रिंस और स्पिन हो जाते हैं। तो अब मैं आपको क्विक फंक्शन में कपड़े धो के दिखाती हूँ। क्विक मोड पे केवल 15 मिनट्स का साइकिल चलता है और इस मोड पे सबसे कम पानी खर्च होता है। तो क्विक मोड पे यहाँ पे 18 लीटर पानी यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेड लाइट है वो अभी ब्लिंक नहीं हो रही है, तो यहाँ पे 18 लीटर पानी शो हो रहा है। अगर ये लाइट ब्लिंक होती है तो 12 लीटर पानी शो होगा। तो पावर बटन ऑन करने के बाद आप जिस प्रोग्राम में कपड़े वॉश करना चाह रहे हो वो प्रोग्राम सेट कर लें, उसके बाद ही स्टार्ट का बटन ऑन करें। तो यहाँ पे मैंने क्विक फंक्शन सेलेक्ट कर दिया है और वॉश, रिंस और स्पिन तीनों फंक्शन सेलेक्ट हो गए हैं। तो स्टार्ट बटन ऑन करते ही यहाँ पे पानी वॉशिंग मशीन के अंदर फिल होने लगा है। 18 लीटर पानी फिल होते ही वॉशिंग मशीन अपने आप ऑन हो जाएगी। 12:15 पर मैंने ये क्विक वॉश ऑन किया है। अभी वॉश फंक्शन पे यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि वॉश फंक्शन अभी काम कर रहा है और यहाँ पे 18 लीटर पानी अभी तक यूज हो चुका है। 12:15 पर वॉश फंक्शन ऑन हुआ था और 12:20 पर ये रिंस का फंक्शन ऑन हो चुका है। और अब वाटर लेवल 24 लीटर पे चला गया है, क्योंकि रिंस करने पर भी ये मशीन पानी लेती है। इसके बाद 12:27 पर यहाँ पे स्पिन फंक्शन ऑन हो चुका है। तो टोटल 15 मिनट्स में ये क्विक साइकिल चलती है और इसमें सबसे कम पानी खर्च होता है। तो जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो आप क्विक फंक्शन में वॉश कर सकते हैं। और 12:30 पे ये मशीन अपने आप ऑफ हो गई है। तो अब मैं कपड़े निकाल के भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कपड़े कितने साफ हुए हैं। तो 15 मिनट में कपड़े एकदम अच्छे से साफ हो चुके हैं और ये 80-90% सूख भी चुके हैं। बस थोड़ी देर के लिए इन्हें हमें धूप में सुखाना पड़ेगा। तो जो कम गंदे कपड़े हैं जैसे कि डेली वेयर के कपड़े, तो आप उन्हें क्विक वॉश कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सोक फंक्शन यूज करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 बेडशीट्स धोने वाली हूँ। इसमें से 2 डबल बेड की बेडशीट्स हैं और 2 सिंगल बेड की बेडशीट्स हैं और 1 पिलो कवर है। ये बेडशीट्स काफ़ी ज़्यादा गंदी हैं और इसमें ऑयल के दाग वगैरह भी पड़े हैं, तो मैं इन्हें सोक मोड पे वॉश करूँगी और हमें यह भी पता चल जाएगा कि सोक मोड पे ये साइकिल कितनी देर तक चलता है। तो यहाँ पे मैंने मशीन का लिड बंद करके पावर बटन ऑन कर दिया है। तो अब मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करके इसे सोक मोड पे सेट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे सोक मोड सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इन कपड़ों को वॉश करने में 29 लीटर पानी अभी यूज होगा। तो अब मैं मशीन को स्टार्ट कर देती हूँ। सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे डिटर्जेंट ऐड करना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे मैं इस मशीन को पॉज कर दूँगी और मशीन को पॉज करने के बाद लिड को ओपन करके इसमें डिटर्जेंट ऐड कर दूँगी। तो अब मैं वापस से लिड को बंद करके स्टार्ट के बटन को वापस से ऑन कर दूँगी। तो 9:15 पर इसका वॉश फंक्शन ऑन हुआ है। तो सोक मोड पर जो वॉश फंक्शन है वो 45 मिनट तक चला है। 45 मिनट तक ये कपड़े काफ़ी देर तक सोक हो रहा है, तो और बीच बीच में इसका वॉशिंग टब चल रहा था। तो इसी तरह से 45 मिनट तक ये साइकिल चलता रहा और 45 मिनट के बाद इसका रिंस फंक्शन स्टार्ट हो गया। रिंस फंक्शन स्टार्ट होने के बाद इसका वाटर लेवल जो है 33 लीटर पानी पे आ गया था। तो सोक मोड पर यहाँ पे कपड़े वॉश करने में 33 लीटर पानी यूज हुआ है। तो यहाँ पर 15 मिनट रिंस का फंक्शन चला, उसके बाद यहाँ पे स्पिन फंक्शन स्टार्ट हो गया है। तो टोटल 60 मिनट के बाद यहाँ पे स्पिन फंक्शन स्टार्ट हुआ है और स्पिन होने के 5 मिनट बाद वॉशिंग मशीन अपने आप ऑफ हो गई है। तो सोक साइकिल टोटल 65 मिनट चला है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि बेडशीट्स कितनी साफ हुई हैं। तो बेडशीट्स बिल्कुल साफ हो चुकी हैं और इसमें एक अलग चमक भी आ गई है और बेडशीट्स में जितने भी दाग वगैरह थे वो भी एकदम साफ हो चुके हैं।
तो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए आप सोक फंक्शन का ही यूज करें। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कपड़े एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स का ये फ़ायदा होता है कि आप एक बार इसमें कपड़े डालकर भूल जाएं, वो अपने आप वॉश होके रिंस होके ड्राई हो जाएंगे। आपको कपड़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस वॉशिंग मशीन के स्पेसिफिकेशंस की। तो इस वॉशिंग मशीन का जो RPM है वो 800 है, जो इस बजट की वॉशिंग मशीन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। RPM ज़्यादा होने से इस मशीन का जो ड्राइंग साइकिल टाइम है वो लगभग 15 मिनट तक कम हो जाता है। तो एक घंटे के बजाय 45 मिनट में ही इसका साइकिल टाइम कम्प्लीट हो जाता है। हायर की इस वॉशिंग मशीन में आपको मेटल की बॉडी मिलती है, जबकि इस रेंज की काफ़ी सारी मशीन में प्लास्टिक की बॉडी ही मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। मैं मिलती हूँ सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।